हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है पाठशाला एडु सर्व के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों हम लोग का पहला लेक्चर है और आज से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। अब तक हम लोगों ने मैथ्स देख लिया था, बेसिक मैथ्स हम लोगों ने देख लिया है और बायोलॉजी भी स्टार्ट हो चुका है और आज फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है आपका। जितने भी लोग हैं सारे लोग जल्दी से आ जाएं, जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में वो बेल भी बजा दें ताकि आपको इंटीमेशन मिलते रहे कि आपका लेक्चर अपडेट होने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जुड़ें इस प्लेटफॉर्म में। ऑनलाइन जो हमारा क्लासेस है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जुड़ें और फिर बेसिक से, फ्रॉम वेरी बेसिक बिगनिंग से आप चीज़ों को जानें। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स। ठीक है, वैसे फिजिक्स में तो चैप्टर्स होते हैं स्टार्टिंग के। ठीक है, उसमें भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स में भी हम काफ़ी स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। ये जो अभी आज स्टार्ट करने वाले हम, ये पहले चैप्टर से भी पहले की चीज़ें पढ़ा रहे हैं हम। और ये अभी जो तीन चार लेक्चर, पांच लेक्चर कंटिन्यू हमारा आने वाला है, ये लेक्चर आपके 11th में कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ये नहीं है। मतलब हर एक दिन के लेक्चर में हम लोग हर एक दिन इन लेक्चर्स को, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक, ये बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, हर एक दिन ये आप बस जान लें कि अभी से लेकर जब तक आप जेई मेंस क्रैक ना कर लेते हैं, नीट क्रैक नहीं कर लेते हैं, तब तक हर एक दिन आपको इन चीजों को जानना होगा। एक छोटा सा सवाल का हम जवाब देते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन राइज होता है या हम अपने सीनियर से या घर में कोई बड़े होते हैं तो उनसे ये सवाल पूछते हैं। अगर हम बायो के स्टूडेंट हैं तो हम कहते हैं कि हमारी जो फिजिक्स होती है वो अच्छी नहीं होती है जनरली। बच्चों क्या कारण है कि बायो वाले स्टूडेंट की फिजिक्स कमज़ोर होती है जनरली, ऐसा क्यों? इनमें इवन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायो, मैथ्स वालों का भी फिजिक्स कभी कभी कमज़ोर होता है कुछ बच्चों का। तो आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे? तो इसके पीछे रीज़न है बच्चों कि हम छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, उन सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बड़ी चीज़ों को समझने में हेल्प करता है वो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं। और बस मेरा विश्वास मानिए आप कि ऐसा कोई दिन नहीं रहेगा पूरे इस जर्नी में जिस दिन कि हम ये चीज़ें, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए आप सारे लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू रहे लेक्चर्स को देखें और स्टार्टिंग का लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज फिजिक्स का, ऐसे बेसिक मैथमेटिक्स जनरल नॉलेज। ठीक है, हर किसी के लिए ये बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो हमारा आज का हेडिंग क्लास 11th फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है पाठशाला एडु सर्व की तरफ से, जिसमें मेरा नाम संगीतोष राठौर सर है और मैं फिजिक्स हूँ। ठीक है, साथ में एकेडमिक भी, पाठशाला एडु सर्व एकेडमिक डायरेक्टर भी हूँ। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप आज के बाद हम लोग पढ़ेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। राइट बच्चों, ऑल द बेस्ट और एंजॉय करते हैं अपना ये सफ़र। ठीक है, फाइन। तो हम लोग अपने लेक्चर में देखने वाले क्या हैं, सबसे पहले देखने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा पढ़ेंगे हम लोग, कुछ लेक्चर्स अलजेब्रा में दिखाएंगे, लगाएंगे हम लोग और चीज़ों को समझेंगे एकदम वेरी बेसिक, छोटे छोटे लल्लू लल्लू क्वेश्चन से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, उसके बाद ऑलरेडी हम लोग जानते हैं पर हम लोग सारी चीज़ें फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, हर कोई नोट करना स्टार्ट कर दें कॉपी कलम से, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। इसमें भी अलग चीज़ें हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को हम साइन, टेन, कॉस और भी चीज़ें, कोऑर्डिनेट पे चलना सीखेंगे हम लोग।
ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसके बारे में बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं। फिर इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होगा कैलकुलस, कैलकुलस हम स्टार्ट करेंगे, और कैलकुलस में सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसे डिफरेंशिएशन नाम से हम यहां डाले हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे फिर कैलकुलस में, और कैलकुलस का पार्ट ही है एक इंटीग्रल कैलकुलस होता है। डिफरेंशियल कैलकुलस को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, एक डिफरेंशियल और दूसरा इंटीग्रल। तो कैलकुलस का डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने के बाद हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर और कुछ ग्राफ्स इंपॉर्टेंट, मतलब पूरी फिजिक्स में इसके अलावा आपको कहीं कुछ नहीं मैथ्स का मिलेगा टर्म, ठीक है। इसलिए ये पूरा टर्म ये आप इसे नोट करें, और ये पूरा टर्म आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर कोई अपना कान खोल के सुन ले कि ये चीजें पूरी फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके उन बच्चों के लिए जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और मेंस के लिए, जेई मेंस के लिए एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। बच्चों प्लीज, आप फिर से मैं बता रहा हूं कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए प्लीज आप इसे ध्यान से पढ़ें, आप इसे ध्यान से पढ़ें, फाइन। ओके बच्चों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और दो तीन चीजें याद रखेंगे कि जब हम आपको क्वेश्चंस देंगे तो हम आपको टाइम नहीं देंगे यहां पे क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप पॉज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। क्योंकि हमारे पास एक तो लेक्चर्स का ड्यूरेशन काफी छोटा है, और काफी लंबा चीज पढ़ने वाले भी हैं, क्योंकि अगर कोई छोटी छोटी चीज भी हम नहीं छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें टाइम का 100% यूटिलाइज करना होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या, अलजेब्रा, ठीक है बच्चों। ओके, किसी दिन हम आपको बताएंगे अगर किसी को परेशानी हो कि नीट कैसे निकालें, जेई कैसे निकालें, कितने मार्क्स का आता है, क्या हमारा प्रोसीज्योर होना चाहिए, क्या हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए इस चीज को निकालने के लिए, तो आप लिंक पे कॉमेंट करेंगे और हम आपके लिए एक अलग वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, ठीक है बच्चों। फिलहाल तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स, दैट इज अलजेब्रा। ओके, अलजेब्रा में सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग, और पढ़ेंगे एकदम, आप जानते हैं ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, लेकिन फिर भी हम बेसिक से आज जानेंगे इसे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो जाने बच्चों एकदम फिजिक्स में जहां तक हमें यूज होगा, ठीक है। होता क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक इक्वेशन होता है, राइट, एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन से एक रिलेशन आता है, उस इक्वेशन का एक रिलेशन होता है या रिलेशन आता है, ठीक है, और उस रिलेशन से हम अननोन चीजों को फाइंड करते हैं, अननोन चीजें होता है, ठीक है। तो इक्वेशन होता है जिसके साथ कुछ रिलेशन होता है, और एक अननोन चीजें हम फाइंड करते हैं। आप आगे देखते रहे, सब कुछ क्लियर होगा, अगर किसी तरह का डाउट भी आएगा अगर आगे से तो आप वेट करेंगे और ध्यान से देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन दिया रहता है, उसका कुछ रिलेशन होता है, साथ में अननोन चीजें हम फाइंड करते हैं। जैसे बच्चों कुछ बात देखो, अगर मान लीजिए कि एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है आपका, ठीक है, जब एक इक्वेशन है आपका तो ऑब्वियसली एक इक्वेशन से एक अननोन चीजें ही हम लोग निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक इक्वेशन है तो उसे एक अननोन चीजें हम निकाल सकते हैं, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो। दूसरा, अगर दो इक्वेशन है तो ऑब्वियसली दो अननोन चीजें हम लोग निकाल सकते हैं, क्या, दो अननोन चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर तीन इक्वेशन हो तो, अगर तीन इक्वेशन हो तो तीन रिलेशन आएगा, और तीन रिलेशन से हम तीन अननोन चीजें निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इक्वेशंस आएगा और अलग अलग चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। तो जितने भी इक्वेशन होंगे,
जितने भी इक्वेशन होंगे उतना ही अननोन हम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो इक्वेशन दिया रहेगा और तीन अननोन चीजें हमें निकालना हो, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो जितने इक्वेशंस उतने अननोन। ठीक है, अब इस चीज को हम कैसे समझें? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और हम समझेंगे। ठीक है, इसमें कुछ चीजें जो हम देखिए हम पढ़ नहीं रहे हैं एक्चुअली, फिजिक्स पढ़ा नहीं जाता है, फिजिक्स सीखा जाता है, तो ये चीजें हम सीखेंगे कैसे। ठीक है, फिलहाल ये चीज तो हमें समझ में आई, जो बातें हम कुछ बातें ना हिंदी में भी लिखेंगे। ठीक है, कुछ जो बातें हमें समझ में आई कि इतनी बातें क्या कि जितने इक्वेशंस होंगे उतने ही अननोन चीजें हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, ओके, मतलब इसे ये कह सकते हैं कि जितने इक्वेशंस होंगे उतने अननोन हम सॉल्व कर पाएंगे। राइट, आप हिंदी में ही लिखेंगे, प्लीज स्टार डाल के आप हिंदी में ही लिखेंगे पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, सीखेंगे एक्चुअली। राइट, फाइन, तो ये आप नोट करें। अब इस पर एग्जांपल देखेंगे हम लोग कैसे, अगर एक इक्वेशन एक नोन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन से दो अननोन कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक इक्वेशन से एक नोन का एग्जांपल हम देखते हैं क्या निकाल पाते हैं। राइट, फाइन, इसे मिटाओ बच्चों, आपने डाल दिया होगा हेडिंग, हर एक चीजों को एज इट इज नोट करते चले, पॉज करके, स्क्रीनशॉट की बीमारी होती है बच्चों की, कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उसे जितना हो सके अवॉइड करें आप। ठीक है, और ध्यान से देखें, आप कॉपी में ही नोट डाउन करते चलें। एग्जांपल देखते हैं, एक इक्वेशन एक अननोन। ठीक है, पहला एग्जांपल, एक इक्वेशन लेते हैं 2x + 3 = 0। ठीक है, इक्वेशन कितने हैं, एक इक्वेशन है। ठीक है, और अननोन कितने हैं, दो तो नोन है, थ्री तो नोन है, बस एक एक्स है जो अननोन है। तो यहां से अगर एक्स निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2x = -3 एंड x = -3/2। तो देखिए, एक इक्वेशन एक अननोन एक्स, यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना फाइंड व्हाट इज एक्स, तो आ गया ना x = कितना आया, -3/2। एक इक्वेशन एक अननोन आ गया हमारा, नोन सॉल्व कर लिए और ये आ गया। ओके, दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल दूसरा, दो इक्वेशन दो नोन। ठीक है, एक मान लेते हैं कोई इक्वेशन, हम लोग जनरल इक्वेशन लिखते हैं x + y = 3, ये एक इक्वेशन आया। दूसरा कोई इक्वेशन लिखते हैं बच्चों हम लोग, मान लो x - y = 1, तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसको सॉल्व करना जानते हैं आप, जानते हैं ना, बिल्कुल अभी सीख के आए आप, अभी सीख के आए हैं, तो इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं तो यहां से मालूम पड़ता है क्या सॉल्व करेंगे इसको, जब इसको सॉल्व करते हैं हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि x = 2 एंड y = 1। आप सॉल्व करके देख लें, तो मेरा कहने का अर्थ बस इतना सा है कि जब एक इक्वेशन था एक अननोन था तो उसको कैलकुलेट कर लिए हम। राइट, और दूसरा, दो इक्वेशन था दो अननोन, एक्स और वाई का वैल्यू हमें अननोन था। ठीक है, तो उसके लिए दो इक्वेशन हमें चाहिए, दो इक्वेशन मिला, हमने सॉल्व करके निकाल दिया। ठीक इसी तरह जब तीन इक्वेशन आएगा, थ्री नो अननोन चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट, तीन अननोन चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग फिजिक्स में फिर देखते रहेंगे, कंटिन्यूअसली टच में रहते रहेंगे और निकालते रहेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, अब तो ये एक और चीजें, दो चीजें हम आपको यहां पे जानकारी दे दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, कैसे होता है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग लिखते हैं,
मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है राइट, और इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 है ठीक ना। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ x इज कितना बच्चों, 2 ठीक है। अगर बच्चों ये पावर, अगर ये पावर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये हो गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है। अगर ये पावर, अगर ये पावर 2 से अधिक होता है, पावर अगर पावर ऑफ x ग्रेटर हो जाए 2 से, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रख जाता है, ये हो जाता है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाता है ठीक है। और ये x पे पावर मैक्सिमम अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और इससे ज्यादा हो जाता है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाता है फाइन ओके। तो इस इक्वेशन का आप ध्यान से देखिए, मैक्सिमम पावर कितना है x का, 2, पहला पॉइंट ये मान लीजिए, पहला पॉइंट मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2। अब दूसरा, यहां पे a है b है और c है, तीन चीजें यहां पे देख रहे हैं आप, a कोमा b एंड c, ये सब क्या है, तो ये सब है कांस्टेंट ठीक है, a b एंड c आर कांस्टेंट, ये सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है राइट ओके फाइन। अब क्या है इसमें बच्चों, x क्या है, x क्या है, x है अननोन राइट, x क्या है, तो x है अननोन। और एक और चीजें, a क्या है, a है नॉट इक्वल टू जीरो, a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो ठीक है। ये दो चार पॉइंट्स हैं कुछ जिसको हमें ध्यान रखना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जरूरत क्यों पड़ा राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जरूरत क्यों पड़ा ठीक है, इस चीज को अभी जाने आप ठीक है। हम आपको बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जरूरत क्यों पड़ा। मान लीजिए आप इसे नोट कर लिए हो, मान लीजिए कि वन इक्वेशन ऐसे, वन इक्वेशन वन अननोन, वन अननोन, अब ये जो वन अननोन है ना, एक इक्वेशन है ठीक है, एक अननोन कैलकुलेट करके एक अननोन निकाल सकते हैं हम लोग बच्चों। ये जो अननोन आया है इसकी दो वैल्यू हो सकती है ठीक है, इसकी जो है दो वैल्यू हो सकती है, कुछ मान लेते हैं एक, मतलब दिस अननोन अननोन हैज कैन बी टू वैल्यूज ठीक है, कैन बी ऑफ टू वैल्यूज, इन इस अननोन का दो वैल्यू हो सकता है ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है ये, तो मैं ये बता रहा हूं कि वन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का ठीक है, उससे एक इक्वेशन है तो एक ही नोन होगा, अननोन चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उस अननोन की दो वैल्यू हो सकती है ठीक है, कैसे, तो एक एग्जांपल समझें आप कैसे ये आप दो वैल्यू हो सकता है। देखिए मान लीजिए कि एक ये ग्राउंड है ठीक है, और h हाइट पर एक बंदा खड़ा है ठीक है, और यहां से एक बॉल ठीक है, एक बॉल को हम यहां से ऊपर फेंकते हैं तो ये ऊपर जाएगा और ये यूं वापस आएगा, ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया राइट। अब देखें बच्चों, इसका हाइट मान लो h है, इसका हाइट हम मान लेते हैं क्या h है, तो
यहां एक सवाल है कि क्वेश्चन है, हम राइज करते हैं क्वेश्चन, ये हाइट एच पर है ग्राउंड से, यहां पे हम कह सकते हैं फाइंड टाइम when ball is at a height of h, वो टाइम बताएं जिस टाइम पर बॉल h हाइट पर है, राइट h हाइट पर है वो बॉल, वो टाइम बताएं आप। ठीक है, अब देखिए h हाइट पर बॉल है मतलब यहां से यहां है या फिर यहां है, दो पोजीशन है। देखिए h हाइट पर एक बार बॉल यहां है और h हाइट पर जब बॉल उधर से रिटर्न आएगा तो भी यहां रहेगा, राइट। देखिए ना h हाइट पर बॉल एक यहां होगा, यहां पर बॉल, तो यहां पे एक टाइम और एक टाइम यहां, तो यहां पे टाइम का दो वैल्यू आया। यहां पे h, कोई पूछेगा h हाइट पर बॉल कितने टाइम में हुआ, तो दो टाइम में h हाइट पर बॉल है, एक बार जाते वक्त ऊपर और एक बार ऊपर से आते वक्त, दोनों टाइम पे h हाइट पर है बॉल। तो यहां पे टाइम जो है अननोन, जिसे पूछा है फाइंड टाइम, ये अननोन का कितना वैल्यू आया, एक बार यहां h हाइट पर, ये हाइट पर, एक बार इस जगह, एक बार इस जगह कब, जब ये बॉल ऊपर की ओर जा रहा था तब, और यहां पे इस टाइम पे कब, जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा था तब। तो यहां पे टाइम की दो वैल्यूज आई। तो बच्चों यहीं पे जरूरत पड़ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। इक्वेशन एक, अननोन भी एक, लेकिन उस अननोन का दो वैल्यू, राइट कैसे, तो यहां पे आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि h हाइट पर यहां पे दो टाइम आएगा, h हाइट पर दो टाइम, एक बार उतर ऊपर जाते समय और एक बार डाउनवर्ड आते समय, t का दो टाइम, दो वैल्यू होगा टाइम का यहां पे। तो यहां पे बच्चों हम कह सकते हैं कि यहां पे टाइम का दो वैल्यू हो सकता है, एक बार t1 जब ऊपर जा रहा होगा तब निकालेंगे क्या होगा, और एक बार t2 तब जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा। तो यहां पे ऐसे सवालों का जवाब कैलकुलेट करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मदद लेते हैं, ठीक है। तो टाइम दो तरह, तो दो बार कैलकुलेट टाइम निकलेगा, एक टाइम कब, t1 कब, जाते वक्त, जाते समय, ठीक है, और एक बार t2 कब, आते समय, ठीक है। एट दैट टाइम व्हेन बॉल इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन एंड अनदर टाइम एट दैट टाइम व्हेन बॉल इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यहां पे टाइम की दो वैल्यू आई, टाइम अननोन था जिसे कैलकुलेट करना था और दो वैल्यू हमें निकालना आया, ठीक है बच्चों। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जानेंगे कि कैसे दो वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो जस्ट आपको अभी जस्ट इससे पहले जो हम बताए थे, ये तो हम बताए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जरूरत कब है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो आपने अभी जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जाना है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से याद कीजिए आप, जस्ट थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे इक्वेशंस होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां पे ए नॉट शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। दूसरा, मैक्सिमम पावर कितना होता है, मैक्सिमम पावर क्या हुआ, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज टू, और ए बी एंड सी आर बोलिए कॉन्स्टेंट, हां ओके, एक्स इज अननोन, तो यहां पे x क्या है, एक अननोन है जिसकी वैल्यू कितनी होगी, दो वैल्यू होगी, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट ओके फाइन। ओके बच्चों ये कुछ तीन चार पॉइंट्स हमें नोट करना है बच्चों, यहां पे कुछ चीजें हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। अब
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन देखें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों और x का वैल्यू क्या होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहां पे बच्चों x की वैल्यू आती है माइनस बी, अब b देखिए तो क्या है यहां पे x का कॉफिशियंट, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। आई थिंक कि आप इस फॉर्मूले को आज से पहले कभी देखा था, राइट ओके बच्चों, ये यहां पे वैल्यू एक्स की कैलकुलेट करते हैं, ये सॉल्यूशन होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट। अब यहां पे एक्स की, एक्स जो है यहां पे x का बच्चों दो वैल्यू होता है, x का दो वैल्यू हम निकालते हैं, एक x1 कैलकुलेट करते हैं और दूसरा x2। x अननोन था, x अननोन था, ठीक है, उसकी कितनी वैल्यू आई, दो वैल्यू आई x1 और x2। x1 कैलकुलेट करते हैं एक बार और हम x2 कैलकुलेट करते हैं एक बार। एक छोटी सी चीज हम इसे मिटाते हैं इधर, इसे मिटाते हैं बच्चों इधर, और देखिए ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना अंडर रूट, इसे हम d से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, d से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं कहीं ना इसे हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं ये भी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए इसको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट या फिर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, फाइन ओके। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अब हम लोग लिखेंगे सम फैक्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कुछ फैक्ट को आप देखें, ठीक है, बड़े ध्यान से देखें बच्चों, कुछ फैक्ट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग जानने वाले हैं। यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्स, एक्स नोन है अननोन है, जिसका वैल्यू दो आएगा, क्या आएगा, एक्स वन और एक्स टू। तो सबसे पहले एक्स वन निकालेंगे, एक्स वन, एक्स वन निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहां पर देखिए कैसे दो वैल्यू है, देखिए एक तो माइनस बी हो ही गया, यहां देखिए प्लस है और माइनस है, मतलब एक बार प्लस लेंगे तो x1 आए पॉजिटिव, ठीक है, और एक बार माइनस लेंगे तो x2 का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव, राइट। तो यहां पे एक बार प्लस को यूज करेंगे तो x1 आएगा और एक बार माइनस को यूज करेंगे तो x2 आएगा। तो x1 का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ये आ गया x1। आप x1 यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई परेशानी नहीं है अब तक, राइट ओके। फिर x2 अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो x2 हो जाएगा माइनस बी एज इट इज, अब यहां प्लस तो यूज कर लिए, दूसरा क्या माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। तो x1 और x2 दोनों ही आ गया हमारा, फाइन। अब एक और दो चीजें हम बता देते हैं, जब बता ही रहे हैं तो एक दो और चीजें बता देते हैं। अगर कभी आपसे ये पूछे कि इन अननोन दो चीजों का, ये नोन तो एक ही चीज था x, और उन एक अननोन चीजों का दो वैल्यू आया, राइट, x1 और x2, राइट। अब इनका अगर प्रोडक्ट पूछा जाए x1 इंटू x2 तो, या फिर इनका एडिशन पूछा जाए x1 प्लस x2 तो, ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग जानने वाले हैं क्या होता है। तो ये जब होता है बच्चों, ये x1 इंटू x2 होता है c पॉजिटिव में c बाय a, ठीक है, क्या होता है c बाय a, और x1 प्लस x2 क्या होता है माइनस b बाय a। आप ये जाने c, c मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना, क्या था
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए थे जीरो। तो यहां पे सी मतलब ये कांस्टेंट का वैल्यू, ए मतलब ए एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशियंट है, यहां पे बी एक्स के साथ जो कॉफिशियंट है, और ए जो एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशियंट। इन चीजों का हम लोग वेरिफिकेशन क्रॉस चेक भी करेंगे इसको और देखेंगे क्या ये सही है। ठीक है, तो दो तीन चार चीजें, ये एक एक्स वन निकालने का, और दो ये दो वैल्यू आ गया एक्स का, और इनका प्रोडक्ट का वैल्यू आ गया, और इनके एडिशन का वैल्यू आ गया। ये कुछ बेसिक चीजें हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपको जानना है। और भी कुछ चीजें, कई चीजें हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं अभी। ठीक है, इसे नोट करें और एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे कुछ चीजें। ठीक है, ओके, एक दो चीजें और इसमें हम बता दें क्या, इसे मिटाओ बच्चों। हाँ, यही लिख देते हैं। ये जो बी स्क्वायर, एक दो फैक्ट, ठीक है, ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आया है, ठीक है, ये बच्चों अगर जीरो नहीं हुआ तो, नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो ये जो एक्स वन और एक्स टू आया है, दिस एक्स वन विल नॉट बी इक्वल टू एक्स टू। आप देख लें कि सेम वैल्यू नहीं आएगा अगर ये जीरो से ज्यादा है तो, जीरो नहीं है तो, राइट, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा, तो ये हो गया पहला, देन एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो है तो देन एक्स वन विल बी इक्वल टू एक्स टू। एक्स वन और एक्स टू का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। हम लोग सबका एग्जाम्पल करके वेरीफाई करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे सबको एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, फिलहाल ये चीजें कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक चीजें हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों एक इक्वेशन से, हम एग्जांपल से। ठीक है, ओके, मिटाओ। समझ में आ रहा है, एकदम छोटा छोटा चीज है यार, एकदम फालतू वाला चीज है, फालतू नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट लल्लू लल्लू वाला चीज है, छोटा बाबू भी सॉल्व कर ले अगर ध्यान से पढ़े तो। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एक एग्जांपल, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और यहां पे लेते हैं माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। सबसे पहले बेसिक चीजें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पहला बात, ये पहली बात है कि a नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हां है, राइट, ओके। फिर पावर कितना है, x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, a क्या है यहां पे, a है 2, b क्या है यहां पे, b है यहां कुछ नहीं तो क्या है 1, तो माइनस 1, c क्या है बच्चों, तो c है माइनस 3, ओके फाइन। अब यहां पे निकालते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू या डी का वैल्यू। ठीक है, ये होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ओके, बी स्क्वायर, बी देखिए तो यहां पे क्या है, बी का वैल्यू है माइनस वन, तो सबसे पहले माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, और ए क्या है, टू, तो इंटू टू, और क्या है बच्चों, इंटू सी, और सी क्या है माइनस थ्री, तो यहां पे क्या लेंगे, माइनस थ्री। अब इसे सॉल्व करें, क्या होगा, ये हो जाएगा वन माइनस थ्री टू सिक्स फोर ट्वेंटी फोर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 24, ये आ गया कितना बच्चों, 5। तो डेल्टा का वैल्यू या डी का वैल्यू आया क्या, डी का वैल्यू आया क्या, 5, ओके, बहुत अच्छे। अब हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे एक्स का वैल्यू, और एक्स का वैल्यू हम जानते हैं, एक एक्स का वैल्यू एक अननोन है, और उसका कितना वैल्यू आने वाला है, 2,
तो हम निकालेंगे बच्चों अब एक्स वन का वैल्यू। तो एक्स वन होता है माइनस बी, एक्स वन का फॉर्मूला होता है माइनस बी माइनस नहीं पहला प्लस डी बाय टू ए, ये डी नहीं पूरा वैल्यू रखते फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। अब सबका वैल्यू रखते हैं माइनस बी, देखिए देखिए तो क्या आएगा माइनस बी माइनस माइनस वन ठीक है प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या आया है फाइव प्लस फाइव बाय टू इंटू ए, और ए क्या है टू, तो क्या आएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा फाइव वन सिक्स बाय फोर, मतलब कितना आया थ्री बाय टू। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आया एक्स वन का वैल्यू एक आया थ्री बाय टू, बहुत अच्छे एक्स वन का वैल्यू आ गया। क्या इसी तरह एक्स टू का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। एक्स टू क्या होगा, यहां से अब सीधा हम यहां आ गए, एक्स टू का वैल्यू क्या होगा माइनस बी प्लस यूज कर लिए तो माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ओके माइनस बी, और माइनस बी क्या होगा ये माइनस, और माइनस बी है माइनस वन, ओके माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आया है फाइव बाय टू, और ए कितना है टू, तो क्या हो जाएगा यहां कोई बताएगा मुझे, माइनस माइनस प्लस हो गया वन और ये माइनस फाइव कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस फोर बाय टू टू जा फोर, तो ये क्या आ जाएगा माइनस वन। तो एक्स टू का वैल्यू क्या आया, एक्स टू का वैल्यू आया है माइनस वन, ओके एक्स वन निकल गया यहां पे और एक्स टू निकल गया यहां पे, ठीक है। अगर फॉर्मूला पे हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखें, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम देखें ध्यान से, और यहां पे हम अगर निकालें एक्स वन और x2 का प्रोडक्ट, तो याद है किसी को x1 और x2 का प्रोडक्ट क्या आया, क्या था फॉर्मूला, था c प्लस c बाय a, ये था ना। अब c देखिए तो क्या आया है, c हमारा माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री और a, a क्या आया है टू, तो माइनस थ्री बाय टू, ये आया क्या x1 और x2 का प्रोडक्ट। क्रॉस चेक करते हैं, x1 और x2 आया है हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट लेके, क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है x1 डॉट x2 का, ठीक है x1 कितना आया है देखिए तो 3 बाय टू, 3 बाय टू इंटू एक्स टू कितना आया है माइनस वन, कितना हो जाएगा माइनस थ्री बाय टू। क्या x1 और x2 देखिए तो माइनस थ्री बाय टू माइनस थ्री बाय टू आ गया, मतलब हमारा ये जो फॉर्मूला है x1 x2 c by a बिल्कुल सही है। चलो डन करते हैं इस फॉर्मूले को अभी, ठीक ना, सारे फॉर्मूले को डन करते हैं। दूसरा वेरिफिकेशन x1 प्लस x2, ठीक है x1 प्लस x2 के लिए इसको मिटाऊं क्योंकि जगह नहीं है, तो फिर इसे मिटाऊं बच्चों, x1 और x2 कैलकुलेट करना है। तो अब x1 प्लस x2 फॉर्मूला आता है माइनस बी बाय ए, ओके देखिए तो माइनस बी क्या है b माइनस, और b क्या है माइनस वन बाय ए, ए कितना है टू, तो कितना आ गया वन बाय टू, तो x1 प्लस x2 का वैल्यू आ गया वन बाय टू। अब क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है क्रॉस चेक करते हैं अपने इक्वेशन से जो आया है हमारा इससे, ठीक है। जब क्रॉस चेक करते हैं बच्चों क्या आता है ध्यान से देखो, तो बोलो करो जल्दी जल्दी तुम लोग करो खुद से करो, क्या आएगा x x1 कितना आया था 3 बाय टू, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा 3 बाय टू, और प्लस x2 कितना आया माइनस वन, तो क्या हो जाएगा 3 बाय टू माइनस वन डेट इज वन बाय टू, देखिए तो आया वन बाय टू, हाँ आ गया वाह वाह,
ठीक है, ये क्रॉस चेक मतलब ये भी सही है ना। हाँ ये भी सही है, हमारा क्रॉस चेक कर लिए हम लोग। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं बच्चों, जो जो कि आप लोग को सबको करना है, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं क्योंकि काफी लंबा हो रहा है हम लोगों का क्लास, इतना देर नहीं रखना है आपको। कोई भी परेशानी आ रहा हो किसी चीज का, आप कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन करें, राइट, भूले नहीं, हर कोई करें। जैसे एक एग्जांपल आप कर सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं। एक एग्जांपल, टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, इसे ट्राई करें आप और सारी चीजें निकालें। जो सब चीज हम निकाले वो सारी चीजें आप निकाल कर देखें, ठीक है बच्चों। ओके, एक और एग्जांपल आप इसको करने के बाद आप जगह छोड़ दें और दूसरा एग्जांपल नोट करें, जो कि जिसमें कि ये तो वो सारे चीज हैं जो जिसमें कि ये बताए कि डी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाला चीज है सारी बताए, ठीक है। ओके, दूसरा एग्जांपल जिसमें ये डी इक्वल टू जीरो हो, डी मतलब क्या, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये इक्वल टू जीरो, एक ये चेक करेंगे, राइट। उसके बाद आप इसका ये इसका एक एग्जांपल नोट करें, ये डी इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसमें क्या होने वाला है, इसमें तो नॉट इक्वल टू जीरो में एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू आया और करके भी देख लिया, और इस एग्जांपल को भी आप करके देख लेंगे, फाइन। इसमें क्या होने वाला है, इसमें एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आने वाला है, आप इस का एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, उस एग्जांपल को आप करके देख लें, चेक कर लें, बिल्कुल यही आने वाला है, x1 इक्वल टू x2 ही आने वाला है। इसका एक एग्जांपल चेक करें, एग्जांपल है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, आप इस चीज को चेक करें, राइट। आपका ये x1 इक्वल टू x2 आने वाला है क्योंकि इसका चेक करिए तो d इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। ओके बच्चों, एक और केस हो सकता है, पॉसिबल केस हो सकता है, क्या आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद एक और पॉसिबल केस ध्यान रखें, क्या है वो पॉसिबल केस हो सकता है, जो कि ये जो d है, d मतलब b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये d नेगेटिव आ सकता है, नेगेटिव, ठीक है। और जब d नेगेटिव आएगा ना, तो जैसे ही d अगर नेगेटिव आ गया तो ऐसे कंडीशंस में जो x1 और x2 का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 विल बी इमेजिनरी, ये इमेजिनरी नंबर हो, x1 और x2 का वैल्यू इमेजिनरी हो जाता है, जो नॉट पॉसिबल इन फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, इमेजिनरी कुछ चीजें नहीं होती है, ठीक है। यू विल गेट नॉट ए सिंगल x, क्या कहते हैं उसे यार, भूल गए, कोई बात नहीं जाने दो, हाँ एक्सेप्शन, यू विल गेट नॉट ए सिंगल एक्सेप्शन इन फिजिक्स, So, कोई इमेजिनरी कुछ चीजें नहीं होती है, तो ये सब चीजें इमेजिनरी चीजें, इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन फिजिक्स, ये फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नॉट पॉसिबल, ऐसा कंडीशन ही नहीं आएगा जो कि ये आपको सूरत देखने को मिलेगा, ये सीन आपको मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल यही चीज जानना होगा, एक बार जब डी नॉट इक्वल टू जीरो ये कंडीशन, और एक बार डी इक्वल टू जीरो ये कंडीशन, दो ही चीजें मिलेगा बच्चों। यही तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम, राइट, बाइनोमियल। तो आज के लिए इतना ही, आप ध्यान से देखें और कोई परेशानी आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जाके मेंशन करें, और सब कोई मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचने दें, ये फर्स्ट लेक्चर मैक्सिमम पहुंचने दें, आप सबको कांटेक्ट मिले, जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है या नीडी वन है, सबको आप करें, ठीक है, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, एंड गुड लक, थैंक यू।